Welcome friends. Today must a modal verb. Must is a modal verb. इसके various forms क्या हैं? Assertive sentence में must है सिर्फ affirmative, और अगर negative sentence है negativity अगर दिखानी है तो, और ये इसकी short form है mustn't. Must not is equal to mustn't. इसकी इस तरह से कोई forms नहीं हैं, कोई past या कोई फ्यूचर फॉर्म्स नहीं हैं, जैसे कि हमने कैन और काकुड बताया था, या मेक अ माइट इस तरह से, सेल शुड इस तरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मस्त ही रहता है. बट इसके पास्ट और फ्यूचर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी जगह इंस्टीड ऑफ यूजिंग मस्ट वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ, जैसे हेड टू, हम सेंटेंसेस जब करेंगे आपको बताएंगे, हेड टू ऐसा करना पड़ता था, या विल हैव टू, विल हैव टू सेंटेंसेस करेंगे अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ बताएंगे. और एक हम प्रेजेंट में अगर जैसे हैव गॉट ब्रैकेट में हैव गॉट लगा सकते हैं, नहीं भी हैव टू या हैव गॉट टू डू समथिंग, हैव गॉट टू डू समथिंग, या विल हैव टू डू समथिंग, इस तरह के सेंटेंसेज, या हैड टू डू समथिंग, हैड टू डू समथिंग, ऐसा कुछ जब करना पड़ता है तो पास्ट और फ्यूचर के लिए. फ्यूचर के लिए हमने बताया ये फ्रेज इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए हैड टू और हैव टू डू समथिंग लाइक दैट. तो मस्ट, मस्ट नॉट, मस्टंट. और इसका अगर हिंदी में शाब्दिक वर्ड देखें तो चाहिए, बट यहाँ के चाहिए में फ़र्क है, ये शुड और ऑट टू से डिफरेंट है थोड़ा सा. यहाँ पर अवश्य चाहिए, यहाँ पर मस्ट जो है वो मस्ट क्या है, मेन इसका जो कैरेक्टर है वो दैट इज नेसेसिटी. नेसेसिटी, नेसेसिटी भी जब स्पीकर खुद फील करता है तो वहाँ पर मस्ट इधर करते हैं. मस्ट व्हेन द स्पीकर डिसाइड्स कि हाँ ये मुझे करना है. देखिए समझ लीजिए इस बात को, नेसेसिटी दो तरह की है, दो सिचुएशन हो सकती हैं. जब स्पीकर खुद डिसाइड करता है कि ये काम मुझे करना है, स्पीकर डिसाइड्स हिमसेल्फ, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं. और अगर नेसेसिटी कोई अदर, दूसरे कोई सोर्सेज या सरकमस्टांसेस से हैं अदर देन स्पीकर जब है, तो हमें हैव टू, हैव गॉट टू या हैव टू इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए मीनिंग सेम है, मीनिंग इक्वल है दोनों का. समझ लीजिए यहाँ पर मस्ट जो मॉडल है वो नेसेसिटी शो करता है, नेसेसिटी शो करता है, नेसेसिटी. स्पीकर जब खुद डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए अवश्य है, मुझे करना है, तो मस्ट इस्तेमाल करेंगे. और बाहर स्पीकर के अलावा कोई परिस्थिति ऐसी दूसरी है तो हम क्या करेंगे, मस्ट की जगह हैव गॉट टू या हैव टू, आई हैव टू डू, आई हैव टू सी समवन, या आई मस्ट सी. जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ, मस्ट और हैव गॉट टू का थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई मस्ट सी द प्रिंसिपल, आई मस्ट सी द प्रिंसिपल. या फिर अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू सी द प्रिंसिपल, आई हैव टू सी द प्रिंसिपल. देखिए इसमें क्या फ़र्क है, समझ लीजिए यहाँ पर, ये मस्ट और हैव टू ये दो मॉडल हैं एक तरह से. आई हैव इसको यूँ भी, ये भी हम कई बार यूज़ करते हैं, सेम आई मस्ट, आई हैव गो टू सी द प्रिंसिपल. ये तीनों सेंटेंसेस देख लीजिए क्या फ़र्क है इसमें, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, राइट. यहाँ पर मस्ट और यहाँ पर हैव टू या हैव गॉट टू हमने यूज़ किया है. यहाँ पर क्या है, आई मस्ट सी द प्रिंसिपल, इसका अर्थ ये है कि अभी हमने बताया था कि स्पीकर को ज़रूरत है इस बात की, स्पीकर के लिए नेसेसरी है ये, स्पीकर के लिए कंपलसरी, कुछ मैंने प्रिंसिपल से मिलना है, ज़रूर मिलना है, क्योंकि मेरा कोई काम है. आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद द प्रिंसिपल, इट इज़ माई इंटरेस्ट,
इट इज़ माई इंटरेस्ट कि मैंने प्रिंसिपल से मिलना है. यहाँ पर स्पीकर का इंटरेस्ट है, स्पीकर की नेसेसिटी है, इसलिए हमने मस्ट यूज़ किया है. यहाँ पर स्पीकर की नेसेसिटी नहीं है, शायद प्रिंसिपल ने उनको बुलाया है या कोई और काम है या किसी और ने कहा है कि आप प्रिंसिपल से मिलें जा करके, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है या कोई ऑर्डर है. यहाँ पर स्पीकर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पीकर इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, बट उसे मिलना है. आई हैव टू सी, मुझे मिलना है, ठीक है, मेरे लिए मिलना ज़रूरी है, बट यहाँ पर स्पीकर का अपना इंटरेस्ट है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू एंड हैव गो टू. और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई विल हैव टू, आई विल हैव टू सी द प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की बात है ये. यहाँ पर फ्यूचर में प्रिंसिपल ने आदेश दिया, प्रिंसिपल ने उनको बुलाया है किसी काम से, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के आदेश हैं, प्रिंसिपल के सर्कमस्टांसिस स्पीकर के अपने नहीं हैं, बट फ्यूचर के लिए उनको वहाँ पर बुलाया है. आई विल हैव टू, मुझे मिलना पड़ेगा. या अगर मैं दूसरा, अगर आई हैड टू सी द प्रिंसिपल, आई हैड टू सी द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा. हैड टू ये बिल्कुल पास्ट की बात चली गई, बिल्कुल पास्ट में मुझे प्रिंसिपल से मिलना पड़ा था. समझ लीजिए इनको, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स में ये यहाँ पर नेसेसिटी शो की जा रही है. मस्ट किस तरह की नेसेसिटी शो कर रहा है, हैव टू, हैव गॉट टू, और विल हैव टू, और हैड टू, ये वेरियस फॉर्म्स हैं एक तरह से. यूँ कह लीजिए कि ये जो है फॉर्म्स हैं मस्ट की, मस्ट को शो करने, नेसेसिटी शो करने के लिए वेरियस पीरियड के लिए. बट इसका कोई ये कोई सिनोनिम नहीं है, इसके सिनोनिम इक्विवेलेंट नहीं है, इसकी कोई फॉर्म्स नहीं है. समझ लीजिए, दीज आर नॉट द इक्विवेलेंट्स ऑफ मस्ट. जैसे हमने पहले बताया कैन और कुड में, कि कुड जो था वो उसका कैन का इक्विवेलेंट, पास्ट इक्विवेलेंट था, बट यहाँ पर ऐसा कोई इक्विवेलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग अबाउट मस्ट, मस्ट मॉडल. ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत क्लियर आपको हो जानी चाहिए यहाँ पर. नेक्स्ट, मस्टंट या मस्ट नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव आपने रिप्लाई करना है तो वहाँ पर कोई नेसेसिटी नेगेटिव वहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर आप मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे. सेकंड, हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के, अभी यहाँ पर यूजेस देखेंगे इसके, कहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं. बहुत थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे फर्स्ट हम टाइप ले सकते हैं, कोई ड्यूटी है या कोई ऑब्लीगेशन है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं. ड्यूटी हमारे, इसका मैं एक एक दो दो सेंटेंसेज आपको देता हूँ. जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, ठीक है. ये स्पीकर का अपना डिसीजन है, स्पीकर की अपनी सिचुएशन है कि उसको फोर्स कर रही हैं. नेक्स्ट, यू मस्ट, जैसे यहाँ भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेज में मस्ट का यूज करें. यहाँ पर हैव टू का या ऑट टू का या शुड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे. ये थोड़ा सा नेसेसिटी है, यहाँ पर ड्यूटी है आपकी, आपका आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको ये काम करना होगा. नेक्स्ट, यहाँ पर दूसरा हम ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे कोई कोई ऑर्डर देना है, कोई ऑर्डर है या कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्गली कोई एडवाइस आपको दी जा रही है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो इस तरह का एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं. पैसेंजर्स मस्ट यूज द ओवर ब्रिज, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें पैसेंजर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उनके लिए ज़रूरी है. एडवाइस में जैसे क्या हो सकता है या इंस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे हम बात करते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, राइट. कैंडिडेट्स मस्ट आंसर, यहाँ पर उनके लिए ऑर्डर भी समझ लीजिए और इसको इंस्ट्रक्शन भी, क्वेश्चन पेपर पे आपको देखा होगा, आपने लिखा होगा, ये लिखा होता, तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम यहाँ पर मस्ट इस्तेमाल करते हैं. और क्या हो सकता है यहाँ पर यूज़, इसका मस्ट का यूज़ कहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कोई कंपल्सन है, समझ लीजिए कोई आपके लिए कंपल्सरी है, आपको ये करना पड़ेगा. जैसे इट इज़ रेनिंग सो आई मस्ट गो इन, कंपल्सन है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए मुझे अंदर आना पड़ेगा. और एग्जाम, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़
The train is due in 10 minutes. गाड़ी 10 मिनट में आने वाली है. So I must be leaving now. गाड़ी आने वाली है, ये कंपल्सन है, कंपल्सन है, वरना गाड़ी निकल जाएगी. सो मुझे अभी निकल पड़ना चाहिए. सो इस तरह की सिचुएशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट हमारे लिए हो सकता है जैसे नेसेसिटी. वैसे भी मैंने जनरल आपको बताया था मस्ट के बारे में कि ये बहुत नेसेसिटी, वेरी इम्पॉर्टेंट. जब कोई काम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी कोई नेसेसिटी है, तो वहाँ पर आपको मस्ट यूज़ करना है. जैसे इसमें हम सेंटेंस दे सकते हैं, आई मस्ट फिनिश द वर्क टूडे. ये बहुत बहुत नेसेसिटी है और ये इस तरह की नेसेसिटी के आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट जैसे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के केसेस में हम मस्ट का या पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने पहले भी बहुत किया है, या कोई सर्टेनिटी, यहाँ पर सर्टेनिटी के बारे में एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं. जैसे ही मस्ट बी एन इडियट, ज़रूर वो बेवकूफ़ है. ऐसी सर्टेनिटी है उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से. जैसे और सेंटेंस लिख सकता हूँ, देयर मस्ट बी 50 पीपल देयर. वहाँ पर ज़रूर 50 लोग होंगे. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी जब हमें उसका पता है, तो हम जो है यहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हम ले सकते हैं जैसे कोई प्रोहिबिशन है, किसी चीज़ को मनाही करनी है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं. जैसे यू मस्ट नॉट, नेगेटिव आ गया यहाँ पर, यू मस्टंट ड्राइव फास्ट, यू मस्टंट ड्राइव फास्ट, यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म. इस तरह के सेंटेंस में प्रोहिबिशन यहाँ पर आपको, या कोई एम्फेटिक एडवाइस इसको कहेंगे, एम्फेटिक एडवाइस. देखिए एम्फेटिक एडवाइस यहाँ पर बहुत जोर दे करके एडवाइस, इस सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है कि यू मस्टंट ड्राइव फास्ट, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए. बहुत स्ट्रेस दे के एडवाइस आपको दी जा रही है, या यहाँ पर मना किया जा रहा है, प्रोविजन यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म. सो इस तरह के सेंटेंसेज में हम यहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जैसे हो सकता है, हमने जैसे पहले मॉडल्स में भी किया था, मस्ट हैव, इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मस्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हम यहाँ पर सेंटेंस देते हैं, यू मस्ट हैव बीन, ये पास्ट पार्टिसिपल, हैव प्लस मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यू मस्ट हैव बीन अपसेट when you heard the news. आप ज़रूर परेशान हो गए होंगे जब आपने ये मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह का स्ट्रक्चर हम पहले मॉडल्स में भी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है. एक सेंटेंस है जैसे मस्ट आई गो विद यू, इसका आंसर, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसका आंसर अगर आपने येस में देना है, अफर्मेटिव में देना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यू मस्ट. और अगर इसी का अगर नो में आपने देना है आंसर जो है, तो हम मस्ट नॉट की जगह नीड नॉट यहाँ पर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए. अगर अफर्मेटिव में आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, इस तरह क्वेश्चन का, तो मस्ट का यूज़ करेंगे. अगर नेगेटिव में है, तो मस्ट की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, नीड नॉट. ओके नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स, जैसे आई मस्ट बाय अ डिक्शनरी, इस तरह का सेंटेंस हम यहाँ पर. और सेंटेंस जैसे आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग. तो ये यहाँ पर
मस्ट जो ये भी यहाँ पर एक तरह से आपके आपके आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए मस्ट है ये। नेक्स्ट जैसे और सेंटेंसेस हम यहाँ पर ले सकते हैं, कुछ देखिए इस तरह के आपको देखने के मिलेंगे। मस्ट सी, बीच में हाइफन लगा हुआ है, मस्ट रीड, मस्ट रीड, समझ लीजिए, मस्ट हैव, बीच में हाइफन है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, मस्ट सी बीच में हाइफन है, मस्ट सी, मस्ट रीड, मस्ट हैव एट्सेट्रा, इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जैसे मैं एग्जांपल लिख के देखता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, सिडनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मस्ट सी सिटीज। ओके, इसका मीनिंग क्या है, देखिए, मस्ट सी सिटीज, सिडनी शहर के दुनिया के उन शहरों में से जो देखने लायक है, मस्ट सी, जिसको ज़रूर देखा जाना चाहिए, मस्ट सी देखने लायक है, यानी कि यहाँ पर सो गुड, देट इज़ समथिंग इज़ सो गुड, सिडनी जो है देट इज़ सो गुड, सो इंटरेस्टिंग है, सो चार्मिंग सिटी, सो अट्रैक्टिव सिटी। नेक्स्ट है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, दी मैगजीन इज ए मस्ट रीड इन द GK, जनरल नॉलेज, ठीक है, GK फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट, इस तरह का। तो ये मैगजीन मस्ट रीड, यानी कि मस्ट रीड का मतलब ये इतनी इतनी अच्छी है, ये मैगजीन इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो मस्ट रीड है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो नुकसान है, यानी वो ज़रूरी है आपके लिए, मस्ट रीड, मस्ट है, ठीक है। सो दिस आर द फ्रेजेस विच वी कैन यूज़ मेक यूज ऑफ। नेक्स्ट एक idiom हम देखने को मिलता है मस्ट को रिलेटेड लेकर के, एक idiom है जैसे इफ़ यू मस्ट, यहाँ पर इफ़ यू मस्ट, एक idiom जैसे सेंटेंस लिखता हूँ मैं, यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहा है जैसे कैन आई स्मोक, इसका आंसर क्या देंगे, इफ़ यू मस्ट, राइट, इफ़ यू मस्ट, देखिए इफ़ यू मस्ट, ये पूरा का पूरा idiom है यहाँ पर। कैन आई स्मोक, कोई धूम्रपान की इजाज़त मांग रहा है, तो आप कहेंगे कि देखिए आपके लिए अगर बहुत ज़रूरी है, आप रह नहीं सकते, तो यू कैन स्मोक, राइट। जैसे और सेंटेंस जैसे हमने दिया हुआ है, इट इज़ फ्रॉम माई गर्लफ्रेंड If you must know, अगर आपके लिए इतना जानना ही ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में, idiomatic सेंस में भी हम मस्ट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है और एग्जांपल्स हम थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार लॉजिकल सर्टेनिटी के केस में हम देख सकते हैं, जिस किसी का कोई ये काम निश्चित होना है और उसके पीछे लॉजिकल कोई रीज़न है, तो यहाँ पर हम जैसे एग्जांपल इसका देख सकते हैं, इट मस्ट बी स्नोइंग on the hills, it must be snowing on the hills due to sudden fall
इन टेम्परेचर. अचानक तापमान में गिरावट आ गई है तो पहाड़ों पर ज़रूर बर्फ़ गिर रही होगी. तो इस तरह का लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल इसका वो यहाँ पर सर्टेनिटी है, ज़रूर डेफिनेटली ऐसा हो रहा होगा. तो यहाँ पर हम इसको एग्जांपल में ये दूसरा एक लास्ट बट नॉट लिस्ट इम्पोर्टेंट हम देखने को मिलता है इसका, ये है जैसे कोई रिकमेंडेशन शो करनी हो, जब रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन लास्ट, ठीक है. जैसे एग्जांपल है यू वी मस्ट गेट टुगेदर सून फॉर लंच, राइट. यहाँ पर रिकमेंडेशन रिकमेंड किया जा रहा है कि लंच के लिए जल्दी हमें तैयार हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए. सो दिस इज समथिंग अबाउट मॉडल वर्ब मस्ट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.